वालेकुम, नमस्ते, सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। जी, मेरा नाम बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी अंकित इंस्पायर्स इंडिया का, और उनका वीडियो है जी जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश का, ऐसा पाकिस्तान में भी होने जा रहा है, और हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि वैसा हो चुका है। चलिए मिलके देखते हैं जी ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसके बारे में मैंने आपको लगभग 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था, इवन 4 हफ्ते पहले बता दिया था। मैंने एक सेशन किया था, संभवतया आप सभी को ध्यान हो, जिसमें मैंने ये कहा था कि बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी है और इनकी सेना ने चेतावनी जारी की है। इस विषय पर मैंने आपके सामने सेशन किया था, संभवतया आप लोगों को ध्यान आ गया हो। नहीं आया तो आज डिटेल में यह कंफर्म हो जाएगा कि 4 हफ्ते पहले जो मैंने आपके सामने बात बोली थी, आज से 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान में संभवतया बहुत बड़ा सिविल वॉर होने जा रहा है। यह आज की खबर है, और यह क्यों है इसके बारे में आज का सेशन आप जानेंगे, और कहां से प्रेरित होती है यह खबर। तो पाकिस्तान ने अपने देश में से निकला एक देश जिसका नाम बांग्लादेश है, उसमें जब तख्ता पलट होता देखा, वहां पर सरकारें पलटती देखी, तो पाकिस्तानियों में यह मोटिवेशन आ गया कि यार हमारा ही एक हिस्सा जो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसकी जनता ने अपने यहां पर सत्ता परिवर्तन कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको याद दिला दूं कि बांग्लादेश का असर बहुत से देशों में देखा जा रहा है। मालदीव्स के अंदर मुइज्जू भी यही बात बोलते हुए पाए गए थे कि मुझे हटाने की तैयारी हो रही है। अब पाकिस्तान में भी ये दौर बिल्कुल कुछ वैसा है जैसे कभी अरब स्प्रिंग के समय हुआ था। अरब देशों के अंदर एक साथ बहुत सी सत्ताएं बदली थी, यानी कि जैसे खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कुछ वैसा पाकिस्तान के केस में होता हुआ दिख रहा है। यह आज का सेशन है। आपको याद है कि पाकिस्तान में सब कुछ कंट्रोल करने वाली स्थिति में हमेशा यहां की सेना रहती है। सेना अपनी तरफ से एक पपेट बिठाती है जिसे यहां प्रधानमंत्री कहा जाता है, फिलहाल ये शहबाज शरीफ हैं। अमेरिका इन दोनों को मॉनिटर करता है। अमेरिका ने ही शहबाज शरीफ को बिठाया था जब इमरान खान को जेल टिकाया था। तो इमरान खान का जेल जाना, शहबाज शरीफ का पीएम बनना, ये सब अमेरिकी साजिश थी। ये बात जब इमरान खान बोले तो उन्हें जेल में भेज दिया गया। यह सारी जानकारी आपको याद होगी। इन्होंने यह कहा था कि मेरा रूस में जाना या पुतिन से मिलना अमेरिका को रास नहीं आया, और उन्होंने मुझे उखाड़ कर फेंक दिया। यह बात अब तो हर जगह प्रूव भी हो गई है, क्योंकि जो ये बोले थे वही शेख हसीना भी बोलती हुई पाई गई हैं। इसका मतलब अमेरिका का डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहा है। आज भारत की राजनीति में भी ऐसा है, और शाम को आज हम इस विषय पर सेशन करने वाले हैं। अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपको एक सेशन में बताएंगे कि किस तरह भारत की राजनीति को अमेरिका ने प्रभावित किया, और अब भारतीय राजनीति अमेरिका को प्रभावित कर रही है। इस पर आज का सेशन शाम का देखना मत भूलिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज शाम को इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अभी जो चर्चा है वो किस बात की है? चर्चा इस बात की है कि जिस तख्ता पलट के बारे में मैंने आपको 4 हफ्ते पहले बताया था, वो आज सुर्खी बन चुका है। साथियों, कल यानी रविवार के दिन इमरान खान के सपोर्टर्स इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए,
और उन हजारों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों को देखकर पूरी दुनिया की मीडिया कवरेज दे रही है। हालात इतने जबरदस्त थे कि यहां पर पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, बैरिकेटिंग में बहुत सारे कंटेनर्स खड़े करने पड़े, गोलियां तक चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, ऐसे हालात देखने को मिले। अब जब इमरान खान जेल में है तो किसने इस रैली का आयोजन किया, तो इमरान खान की ही एक पार्टी के सदस्य हैं जो कि इनके खैबर पख्तूनवा क्षेत्र से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मीटिंग को बुलाया था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता इमरान खान तो 400 दिन से जेल में हैं, लेकिन खैबर पख्तूनवा में उनके मुख्यमंत्री अली अमीन गेंडापुर ये जो हैं, इन्होंने अपनी तरफ से मीटिंग बुलाई। अब आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद में जहां तक नजर जा रही है वहां तक आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है। इस तरह की भीड़ का नजारा अपने आप में सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। जहां तहां लोग इस बात से उत्साहित हैं कि जहां एक और इमरान खान की पार्टी का मान्यता ही खत्म कर दिया गया, चुनाव चिन्ह तक वापस ले लिया गया, जेल में उन्हें डाल दिया गया, नेताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, उसके बावजूद इमरान खान के समर्थन में लोग इस हद तक सड़कों पर और सब जगह दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भीड़ के द्वारा उनका रास्ता रोकने के लिए जो कंटेनर लगाया गया था उसको पलटाते हुए भी आप भीड़ को देख पा रहे हैं। मतलब जनता में फिर से इस बात का जोश जगा है कि वो इमरान खान के लिए सड़कों पर हैं और वो इमरान खान को रिहा करवाकर मानेंगे। ये तस्वीरें देखें जिसमें चाहे कोई बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब इमरान खान के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर हैं। और इतना ही नहीं, केवल बात पाकिस्तान की ही नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के इमरान खान की रिहाई के लिए रैलियां निकाली गई। कल के दिन अमेरिका के अंदर निकली इस रैली का दृश्य देखें, जो पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं उन्होंने इमरान खान के समर्थन में वहां पर वाहन रैली निकाली। इतना ही नहीं, इमरान खान के लिए दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी रह रहे हैं वो वहां पर सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान एक करप्शन केस में, तोशाखाना मामले में 400 दिनों से जेल में है, 400 दिनों से जेल में है। लोगों का इनके प्रति मन और भाव इसलिए ज्यादा बन रहा है कि जैसे शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ जब सत्ता बदली तुरंत उड़कर के दूसरे देश में जाकर बैठ गए थे ताकि उनको कोई गिरफ्तार ना कर सके, और इमरान खान किसी भी तरह से चुनाव हारने के बावजूद भी अपने ही देश में रहे ताकि वो उसी देश में रहकर उन लोगों की मांगे उठा सके जो पाकिस्तान के हैं, उन लोगों की बात उठा सके जो उनकी पार्टी के लोग हैं। ऐसे में इमरान खान का लोग इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की सरकार के सामने जेल जाना स्वीकार कर लिया, देश छोड़ना स्वीकार नहीं किया। 71 वर्षीय इमरान खान इस समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर चर्चा का विषय है। इमरान खान के समर्थन में जहां तहां लोगों की जो रैलियां हैं वो लोगों को उत्साह दे रही हैं। अब आप यहां पर अगली खबर सुनते हैं। इसमें जो पाकिस्तान के अंदर ये जो गेंदापुर हैं जिन्होंने इस मीटिंग को आयोजित किया, जो कि खैबर पख्तूनवा से सीएम हैं, इन्होंने सीधा सीधा सेना को ललकारते हुए कहा कि आसिम मुनीर अगर तुम्हारे पास 7 लाख सिपाही हैं तो मेरे पास 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ की आबादी है जो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। गेंदापुर का यह बयान इसलिए मायने रखता है कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान पर भी यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काकर सेना के कार्यालयों पर हमला करवाया था। सेना के कार्यालय, सेना के मुख्यालयों पर हमला हुआ था जिसे पाकिस्तान आज एक ब्लैक डे के रूप में मानता है। मतलब जनता सेना के खिलाफ हो गई थी। और साथियों यहां बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यह देखना कि जनता यहां शहबाज शरीफ से ज्यादा सेना से खफा है, इमरान खान के लिए समर्थन में है लेकिन सेना के इंटरफेरेंस के वो खिलाफ है। तो यहां पर इनके जो बयान है वो काफी ज्यादा भड़काऊ है और इन्होंने भड़काऊ बयानों में साफ साफ ये कह दिया है कि अगर 2 हफ्ते में इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया गया तो ये भीड़ जाकर उन्हें जेल से रिहा कर देगी। इसका मतलब पाकिस्तान में अब वो जो पार्टी पीटीआई थी, तहरीके पाकिस्तान जो पार्टी थी, जो इतने दिन से अस्तित्व का संकट देख रही थी, अब उसे वापस से लीडरशिप मिली है। और इस लीडरशिप में गेंदापुर जो मुख्यमंत्री हैं ये इन खैबर पख्तूनवा के, ये इस बात को बोल रहे हैं कि मैं आपका लीडर बनूंगा, सबसे पहली गोली मैं खाऊंगा,
आप मेरे पीछे रहना। इनका इस तरह का जो बयान है, ये कार्यकर्ताओं में तो जोश भर ही रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जो इमरान खान समर्थक हैं उन्हें वापस से उत्साहित कर रहा है कि वो इनकी रिहाई के लिए पूरी मुहिम चलाएं, और दुनिया भर में इनके प्रयासों से अब इमरान खान के समर्थन में रैलियां हो रही हैं। खैबर पख्तूनवा जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर साझा करता है और खैबर पख्तूनवा से पंजाब की बॉर्डर पर ही इस्लामाबाद है जहां पर इस रैली को आयोजित किया गया है। अगले दो हफ्ते के भीतर अगर इन्हें नहीं छोड़ा गया तो अगली रैली अब लाहौर में होगी, ऐसी तैयारी यहां पर की जा रही है। ऐसे में इमरान खान के समर्थक गेंदापुर क्या कुछ कर पाएंगे, इसके कयास उस दिन ही लगाने शुरू हो गए थे जब ये शहबाज शरीफ से जाकर मिले थे कि हमें इमरान खान रिहा चाहिए, लेकिन तब सरकार ने नहीं सुनी। लगातार 400 दिन से इमरान खान जेल में हैं और ऐसे में अभी 7 सितंबर के आसपास ये एक्सपेक्टेशन थी कि इन्हें पाकिस्तान में बेल दी जा सकती है। असल में पाकिस्तान में जिस तरह का केस उन पर लगा है, उनके ऊपर एक जमीन का केस लगा हुआ है और एक उनके तोशखाने का केस लगा हुआ है, एक साइफर का केस लगा हुआ है। केस काफी सारे इमरान खान पर लगे हैं। एक केस ये है कि उन्होंने गुप्त सूचना कि डोनाल्ड लू का साइफर था कि इमरान खान को हटाओ, वो जनता के सामने निकाल दी थी। बोले एक तो ये इन्होंने अपनी सर्विसेज के साथ ब्रीच किया, प्राइवेसी इन्होंने ब्रीच कर दी। दूसरा इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्हें गिफ्ट में जो सरकारी खजाने में चीजें मिली थी वो इन्होंने पर्सनल यूज में ले ली या बेच दी, दूसरा आरोप ये लगा है। तीसरा आरोप इन्हें ये लगा है कि इन्हें एक यूनिवर्सिटी की जमीन दी गई थी किसी बड़े उद्योगपति के द्वारा, इन्होंने उस जमीन का भी निजी उपयोग कर लिया, उसे भी इन्होंने बेच दिया। इस तरह के आरोपों को फिलहाल ये झेल रहे हैं और इसके चलते ये जेल में हैं। ऐसे में देखना होगा कि जब जमानत की सुनवाई अब हो तो इनकी कोर्ट पर इस बात का क्या असर पड़ता है। इंटरेस्टिंगली एक बात समझने का प्रयास कीजिए, इनकी कोर्ट जो कि सो कॉल्ड अपने आप को इंपार्शियल दिखाती है, निष्पक्ष दिखाने का प्रयास करती है, असल में वो निष्पक्षता दिखा रही नहीं है। देखो जब इनके यहां सरकारें बदलती हैं तो जो सरकार होती है वो अपोजिशन के खिलाफ केस खुलवा देती है। जब इमरान खान सरकार में थे तो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ केस खुलवा दिया था, अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सरकार में है तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ केस खुलवा दिया। इसका मतलब न्यायपालिका सरकार से गवर्न हो रही है, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट रूप से कोई फैसले नहीं ले पा रही है, और किसी भी लोकतंत्र का सबसे कॉम्प्रोमाइज्ड फेज होता है जब सरकार के कहने पर न्यायपालिका काम करे, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट तरीके से फैसले ना ले पाए, तो समझिए उस देश में लोकतंत्र कितनी तरीके से मतलब घिसट घिसट के चल रहा है। ठीक है, खैर पाकिस्तान में फिलहाल इमरान के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं संभवतया ये आने वाले समय में पाकिस्तान में बड़ा गृह युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि सेना शहबाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल है। और ऐसे में सेना की तरफ से बहुत पहले ही यह कहा जा चुका था कि अगर किसी ने ऐसी तैयारी की तो हम उससे निपट लेंगे, तो इनके तमाम चेतावनी के बावजूद भी रैली हो गई है। इसका मतलब मानकर चलिए कि जो दो हफ्ते का अल्टीमेटम है उसमें इमरान खान के समर्थक और पाकिस्तान की सेना आपस में अगले दो हफ्ते में मुठभेड़ करती दिखेगी। मैंने 4 हफ्ते पहले सेशन किया था, उस सेशन के बारे में मैंने आज आपको यह कंफर्मेशन दे दिया कि देखो कल भयंकर रैली हुई है, और अब दो हफ्ते आगे की जानकारी दे रहा हूं कि फिर इनकी सेना और इनके बीच में क्लैशेस होंगे और संभवतया पाकिस्तान की जो न्यायपालिका है जो जैसे प्रभावित होती है फिर से प्रभावित होकर के इनकी रिहाई के बारे में विचार करेगी। खैर फिलहाल के लिए तो हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात होने की तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को लेकर दुनिया में अमेरिका पर विश्वास ज्यादा है कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, अमेरिका उन लोगों को फंडिंग नहीं देगा जो इमरान खान की रिहाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर बताइएगा। अमेरिका में भारत के लोग कैसे चुनाव प्रभावित कर रहे हैं, भारत की राजनीति का वहां क्या योगदान है, कैसे बीजेपी कैसे कांग्रेस कैसे राहुल गांधी कैसे डीके शिवकुमार अमेरिका में जाकर के प्रभावित कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के सेशन में होंगी। कैसे आज डिक्टेटरशिप जो है वो वहां पर बड़ा शब्द बन गया है, कैसे संविधान सभा संविधान बचाओ वहां की कहानी बन गया है, आज शाम का सेशन अंकित इंस्पायर पर जरूर देखिएगा। जी तो व्यूअर्स वीडियो में देखा, वीडियो था पाकिस्तान में खाना जंगी होगी, दो हफ्ते बाद होगा ऐसा, ये होगा वो होगा, ये सुनते हुए हमें बहुत सारे साल बीत चुके हैं और इमरान खान साहब जेल में हैं और जेल में उनके समर्थक उनका इस चीज़ पर बड़ी बेताबी और बेखुशी से निहाल होते हैं कि हमारा लीडर जो है वो
पाकिस्तान छोड़कर नहीं भागा, वो जेल में है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं इमरान खान के साथ, और वो यही है कि वो गए नहीं यहाँ से, वो जेल में है। उन्होंने यहाँ पे मुकदमात का सामना किया और कोई डील करके वो बाहर भागा नहीं है, जिस तरह से सबका हमारे जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब हों या कोई और भी हो, बल्कि नवाज शरीफ साहब ही हैं ज़्यादातर, उन्होंने डील की और वो बाहर जाते रहे, बीमारी का बहाना करके निकल गए इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही, और उससे पीछे वो डील करके बाहर निकल गए और 10 सालों बाद या कितने सालों बाद वापस आए और फिर दोबारा से उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब देखिए, ये एक जलसा है, जलसे में ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है, और ये जो वज़ीर आला है KPK, इसके अपने KPK की सूरत हाल तमाम सूबों से ज़्यादा इसके अपने सूबे की सूरत हाल ख़राब है, और यहाँ पर आगे बढ़ के मारता है, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूंगा, यकीन मानिए ये भागने वालों में सबसे आगे होगा। ये कहता है ना कि मैं सबसे पहले, मैं मुझे गोली मारी जाए और ये करे वो करे, ये भड़काऊ भाषण सारे दे देते, जब टाइम आता है उस वक्त कौन खड़ा रहता है ये पता, और समय पे ही चलता है। और ये भी एक टाइम पर अपनी गाड़ी छोड़कर ही भाग गया था कि गिरफ्तारी के डर से, ये इतने बहादुर हैं हमारे KPK के वज़ीर आला साहब। देखिए, जो जिसको ताकत मिलती है, उसको सत्ता मिलती है, हुकूमत मिलती है, उसका अव्वलीन फ़र्ज़ तो यही है कि वो अपनी जो आवाम है, अपने सूबे की या अपने मुल्क की, उसके लिए काम करे, उसके लिए खुशहाली के जो नए दौर हैं उनके रास्ते खोलें। लेकिन हमारे लोग ऐसा करने की बजाय अजीबोगरीब सी चीज़ों में मुलव्वस रहे हैं। अब ये अपने सूबे में काम करने के बजाय इनकी तवज्जो सिर्फ इन चीज़ों पर है, ताकि मैं जो अपनी कारकर्दगी है इन्हीं कार्यों में छुपा लूँ, और अपने सूबे में कोई भी एक भी ढंग का काम ये नहीं कर रहे, और जो जहाँ पे था वहीं का वहीं है, कुछ भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट ये नहीं रहा, पाकिस्तान में कोई नहीं लग रहा, तो ये KPK में क्या लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के जो समर्थक हैं उनमें इतनी हिम्मत और वैल्यू नहीं है कि वो जाएं और जेलों की तरफ जाएंगे और उनको छुड़ाकर बाहर ले आएंगे। ये हमने वो 9 मई वाले केस में देख लिया है कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। अब ये लोग दोबारा हिम्मत नहीं पकड़ेंगे। जलसा है, जलसा करने का हर किसी को हक है, वो चाहे पूरे पाकिस्तान से भर भर कर लोग ले जाएँ, हमारे भी यहाँ के लोग काफ़ी सारे वहाँ पे उन जलसों में शिरकत करी है लोगों ने, और इसमें ज़्यादातर जो आवाम है वो KPK से ही आई है, और हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया गया जो KPK से ही आए। और ये जो जलसा है रखा भी उसी जगह पे गया है जहाँ से KPK से एंट्री होती है इस्लामाबाद में, और उसी तरह क्योंकि वहाँ पर करेंगे और वहीं से तुरंत वापस निकल जाएंगे। ये लोग वहाँ पर अब बैठे नहीं हैं, या कोई इनका अगला माज नहीं है कि ये निकल पड़े हैं, इमरान खान साथ ही जेल थी, चले जाते वहाँ पे, वहीं पे ही ऐलान करते कि भाई 2 हफ्ते का जो अल्टीमेटम है ये भी गुजर जाएगा, उसके बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये वो इनकलाबी सोच वाले लोग नहीं हैं, ये अपनी एक सियासी और सियासी लीडर की पसंदीदगी वो एक हर जगह पे हो जाती है, और इससे बढ़कर इसका कुछ नहीं है। मैं तो समझा था कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, किसी ने हला दी है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत को अमेरिका से क्या परेशानी हो सकती है, कोई यहाँ भी तख्ता पलट हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ तो देखने में हमें भी आई कि हमने भी देखा कि भाई जैसे नवाज शरीफ का वो बुखार ही नहीं उतरता, जब वो इख्तदार से नीचे उतारा जाता उसे, तो वो सीधा जो है वो लंदन का कोई स्पेशल हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई स्पेशल वहीं जाके उसको आराम मिलता है, वहाँ ही जाके उसे आराम आता है। फिर कैसी मजे की बात है कि भाई जब से नून लीग की हुकूमत आई है, नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम बना है, तब से नवाज शरीफ को बुखार भी नहीं हुआ, नहीं तो वो उसकी वो सांस ही फूलने जो है वो ही नहीं बंद होती, वो हो रहा है उसको थोड़ा थोड़ा सा, लंदन जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं, वो यानी लंदन की टिकट पहले हो जाती है सबकी। यही चीज है कि अब वो देखे कि अब उसे बुखार भी नहीं हो रहा, और अपनी बेटी के साथ रोटियों वाले तंदूर पे जाके वो जो है वो चक्कर लगाए जा रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, चेक किया जा रहा है कि रोटी जो है वो 16 रुपए की दी जा रही है कि नहीं। ये चीजें हैं कि अब वो तंदूर की इतनी हीट में, इतनी गर्मी में भी उसे बेचारे को बुखार नहीं हो रहा, नहीं तो वो AC के अंदर भी उसे बुखार हो जाता है। तो यही चीजें हैं। और दूसरा वो अलीपुर, वो अंकित भाई से कहना था कि भाई वो गेंडापुर नहीं है, गंडापुर है, अब वो बार बार उसे गेंडापुर कही जा रहे मिलता है। मिलता जो है। वो थोड़ा सा हेल्दी है, सेहतमंद है, वो गेंडा नहीं है, वो गंडापुर है, अली गंडापुर। तो ये वो अपने सूबे के अंदर, मैं 6-7 माह उस वहाँ KPK में काम करके आया हूँ, तो वहाँ पे जो है ना, मैंने वहाँ जो रिहायशी हैं वहाँ के मकामी लोग हैं जहाँ मैं काम कर रहा था उनसे मैं पूछा, तो उन्होंने मुझे यही बात बताई कि भाई यहाँ पे जो है ना वो जिसकी लाठी है उसकी बहस है, यहाँ पे कोई काम शाम जो नहीं होता,
मैंने बोला यार ये इतने साफ रोड, ये जो है यहाँ पे मंगोरा के अंदर, मंगोरा सिटी में था, तो मंगोरा में इतने साफ रोड कैसे हैं? वो कह रहा है भाई ये वालिया स्वाद जो था ना जी, इसकी स्वाद सारा स्वाद जिसका था वो वालिया स्वाद ने ये रोड अपनी गाड़ी के लिए बनवाए थे, तो तब के ये रोड जो है ये गलियों के अंदर इतने साफ रोड हैं कि यहाँ पे जो ढलवान है पानी खड़ा नहीं होता, रोड टूटता नहीं है, तो ये उस वक्त के रोड बने हुए हैं। ये हमारे जो MNA MPA जो यहाँ पे होते हैं वो सिर्फ अपनी जेब ही भरते हैं, यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं। उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ के स्कूल चेक कर लें, यहाँ के सारा कुछ ये स्ट्रीम का सिस्टम चेक कर लें, जो भी है यहाँ पे जैसे चल रहा है। ये कह रहा है हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, अगर बिजली हमें मिल रही है टाइम पे, तो ये भी हमारे हाथ में गन है, हमने इनको गन दिखाई हुई है, तो हमें मिल रही है, नहीं तो ये हमें बिजली भी ना दे, ये हमें ये जो पानी आता है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, ये भी इसी वजह से आता है कि भाई उनको पता है कि इन्होंने हमारे खिलाफ ही खड़े हो जाना है। कोई भी तरक्याती काम यहाँ पे तुम्हें नजर नहीं आएगा होता हुआ, यहाँ पे इतने इतने प्यारे जो है वो सैर तफरी के लिए जो है टूरिस्ट के लिए मुकाम बन सकते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ के MNA MPA हैं सिर्फ वो अपनी जेबों को भरते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं करवाते, लेकिन इनको जो है गोली खाने का बहुत शौक है। वो कहते हैं सबसे आगे भागने वाले भी यही होंगे, ये जो गोलियों के कह रहे हैं ना कि हम सबसे आगे मैं हूँ आपके, आप मेरे पीछे खड़े होना, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा। तो भाई जैसे वो फवाद चौधरी वो अदालत के अंदर भाग के वापस चला गया था ना, ऐसे इन्होंने भी जो भाग के सबके बीच में से आगे जाना है कि भाई हमें जो है मैं मरने की इतनी मुझे जल्दी नहीं है, अभी मैंने और बहुत ज़्यादा करप्शन करनी है। तो यही चीज़ें हैं कि जिसकी वो लाठी है उसकी भैंस है, जो पावर में आता आप देखिएगा आवाम उसके साथ है, वो ऐसे निकला हुआ कि जैसे भाई उसने आज ही जो है बाजू से पकड़ के इमरान खान को अंदर से ले आना भाई। लेकिन बात यही है कि जो जहाँ पे है जिसका जितना हाथ पड़ता है वो उतना ही गंगा में हाथ धो लेता है, तो लेकिन हम जो है वो फिर हम साफ के साफ हैं कि नहीं भाई सब ने की हुई है, हमने कर लिया तो क्यों हम सबको पहाड़ टूट पड़ा। ये चीज़ें यही है, अगर जब कोई उसके वो कहते हैं कि गले में अंगूठा देता है तो फिर पता चलता है कि भाई सांस बंद हो रही है, तो सांस कैसे खोलनी है, तो फिर ये सब के साथ मिल जाते हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए कि काम क्या है, कारकर्दगी क्या है। 77 सालों में हमें किसी भी पॉलिटिक्स की सियासतदान की कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आई, जो उनके मुफाद के अलावा मुल्क के मुफाद में हो, जो उनके मुल्क को चलाने के लिए जो उन्होंने कोई इकदाम उठाया हो, वो कोई स्कीम ऐसी हो जो अवाम के फ़ायदे के लिए उन्होंने निकाली हो, जो भी स्कीम निकाली है उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए निकाली है, हमें तो 77 सालों में यही नज़र आया। और ये जो अंकल भाई कह रहे थे कि भाई जैसे बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ है सीना वाजिद का, वैसे ये शहबाज शरीफ का करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वो कह रहे हैं समुद्री जाग है, ये ऐसी बैठ जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल जी, समुद्री जाग है, जब तक हमारे आर्मी चीफ साहब बैठे हैं तब तक ये जाग ऐसे ही रहेगी। और आप दोनों की खुशखबरी के लिए मैं बता दूं कि ये सारे रात के गिरफ़्तार हो चुके हैं, ठीक है। अली मीर गंडापुर भी गिरफ़्तार हो चुका है, PTI की जितनी क़यादत है वो गिरफ़्तार हो चुकी है, और इसी वजह से कि भाई आपने वहाँ पे अवाम को इकट्ठा किया है उसी पदाश में, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि फिर जो है ना वो बहुत सारे गुस्सा हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि हकीकत जो है वो तो हकीकत है, उस पर बात करेंगे तो फिर वो बात कहीं और चली जाएगी। तो यही चीज़ें हैं जी, उनका यही बनता है, उन्होंने अवाम को जो है ना वहाँ पर इकट्ठा किया था, आज वो गिरफ़्तार हैं। अच्छी बात है, उनका लीडर भी गिरफ़्तार था, आज वो भी गिरफ़्तार हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा वो गिरफ़्तार ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। चले जी, जो भी हक के लिए आवाज़ उठाएगा वो गिरफ़्तार होगा, लेकिन जब इनके पास ताकत होती है, जब ये खुद फिरौन बने बैठे होते हैं, तब जो काम करने के हैं वो काम नहीं करेंगे। और फिर ऐसे लोगों को, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि हमेशा से ऐसे नाहल लोग ही इन पर मुसल्लत रहे हैं। और ये KPK की बात करते हैं, मैं पिछले दिनों मैं गया हुआ था कलाम, और कलाम में एक सैलाबी रैली की वजह से 1.5 किलोमीटर की सड़क तबाह हो गई, बिल्कुल तबाह, क्योंकि वो रब्ता ही कट गया आपस में सिटी का और बाहर से आने वालों का। और उन लोगों ने मिन्नतें तरले करने के बावजूद उनकी किसी ने नहीं सुनी। 1.5 किलोमीटर सड़क ये बनवाने की हिम्मत नहीं है जिन लोगों में, वो बात करते हैं और इतने बड़े बड़े इनकलाब लाने की। देखें ये जुर्म किया है या नहीं किया, या किया लेकिन जिस तरह खुल्लम खुला आप रियासत के ख़िलाफ़ बात करोगे तो रियासत भी हक रखती है आपको पकड़ने का, आपको सज़ा देने का, आपको छितर लगाने का, बिल्कुल छितर ही लगाने चाहिए। और ऐसे लोगों की सर को देखिए, आप
आईनी हक है, आप एहतजाज करें, लेकिन वहाँ पे ये लैंग्वेज यूज करना कि तुम्हारे पास 8 लाख फौज है और मेरे पास 25 करोड़ आवाम है और तुम्हारे पास चंद हजार बंदे हैं और वो भी कहीं पे सामना खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते, नफरत भरी गई है लोगों के दरमियान, लेकिन ये चंद हजार इतनी बड़ी फौज का मुकाबला, और ये फौज किसी और की तरफ से थोड़ी आ गई है, ये हमारी ही है और हमारे पाकिस्तानी दिफाई इदारे और हमारे पाकिस्तान की शान है हमारी फौज, और हम समझते हैं कि इनके खिलाफ कोई एक बात करने वाले को भी अंदर जाना चाहिए और टांगना चाहिए और चमड़ी उधेड़नी चाहिए ताकि आइंदा से कोई ऐसी लैंग्वेज यूज ना कर सके। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।